प्रभु, ये सब देख के तो हमारी आंखें एकदम ही चमक गई। एक वो दिन था जब हमारा मोहन हमारी दामिनी को भर भर के नफरत करता था, और ये आज का दिन है जब मोहन हमारी बिटिया को भर भर के प्यार करता है। ये क्या है? कहाँ से खुलता है? हे प्रभु, क्या कर रहे थे मोहन? हम देखने की कोशिश कर रहे थे कि ये क्या है। ये जो है ना, ये आपकी बेटी के लिए गिफ्ट है, स्पेशल है, सरप्राइज है, इसलिए आप इसे नहीं देख सकते। अच्छा, हम नहीं देखेंगे, यहाँ खड़े रह के ये लाल कपड़ा देखेंगे, ठीक है? जैसी आपकी मर्जी। जब कोई किसी चीज को देखने के लिए मना करता है तो वो देखने का बड़ा मन करता है। हम तो देख के रहेंगे मोहन। मना किया था ना कि आप इसे नहीं देख सकते। सॉरी, बहुत सॉरी, अब हम नहीं देखेंगे बस। दुख रहा है तो जाइए, फिर मरहम लगाइए। जा रही हूं ना। अरे, आपने रामा को देखा है क्या? जब से मैं नानी के घर से आई हूँ मुझे रामा मिल ही नहीं रही है, और वो मेरा कॉल भी नहीं उठा रही है। हम तुम्हें जासूस दिखते हैं क्या? नहीं देखा हमने उसे, चल भाग यहाँ से। रामा, हाथ कम गया था, अब तो यहाँ पे भी लग गई रे। हे प्रभु, बाप हाथ पकड़ता है और बेटी हमें धक्का मारती है। हे प्रभु, दोनों ने हमारे नाक में दम करके रखा है। कहीं उन दोनों में तुलसी तो नहीं? कैसी है मासी जी? माँ। हाँ बेटा। माँ, दामिनी का है वो। ये लो, तुमने नाम लिया और वो आ गई। अच्छी लग रही हो। थैंक यू मोहन, तुम भी बहुत स्मार्ट लग रहे हो।
अभी आई। ये देखो तुम्हारा सरप्राइज गिफ्ट। ये मेरा गिफ्ट है? सरप्राइज को सरप्राइज रहने देते नहीं। आओ तुम्हें बाकी सबसे मिलाता हूँ। ओके। पापा मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। गुनगुन बेटा अभी नहीं, बाद में बात करते। पापा मैंने बोला ना, चलो मेरे साथ। पापा प्लीज चलो। तुलसी उन दोनों के दिमाग में नहीं, हमारे दिमाग में घुस गई है। पत्ती मारी गई है हमारी। पूरा दिन तुलसी के बारे में सोचेंगे तो उसी की आवाज सुनाई देगी ना हमें। ये हमारा भ्रम नहीं हो सकता, वरना ये कमला। तुलसी नहीं हो सकती। तुम बोलोगे हुआ क्या है, बताओगी? पापा आप क्या कर रहे हो? आप उस स्टूपिड दामिनी की साइड क्यों ले रहे हो? उससे इतने अच्छे से बिहेव क्यों कर रहे हो? और इनफैक्ट उसके लिए बर्थडे पार्टी भी थ्रो की है, क्यों? बच्ची हो ना तुम, बड़ों के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बोलूंगी मैं आपको रामा की जगह उस स्टूपिड दामिनी की साइड लेते हुए नहीं देख सकती हूँ। देखो गुनगुन, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे और दामिनी को हैप्पी हैप्पी नहीं देख सकती। अगर इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना तो चली जाओ उससे। तुम्हारा कल ही एडमिशन करा देता हूं मैं। रामा कहाँ है? चली गई होगी अपने गांव, परेशान है और क्या? वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती है, नो वो इधर कहीं होंगे। गुनगुन बेटा देखो, मैं जानता हूं तुम रामा से बहुत प्यार करती हो ना, पर अब मैं और रामा अलग हो चुके हैं। अब मैं दामिनी के साथ हूं ना। अगर तुम ये सब कुछ नहीं देख सकती ना तो प्लीज अपने कमरे में चली जाओ।
सुबह से दिखाई नहीं दे रही। अपने कमरे में उदास बैठी होगी और कहाँ होगी, ये सब कैसे देख सकती थी। ये दामिनी के लिए मोहन भैया का प्यार कुछ ज्यादा ही नहीं उमड़ रहा। तुम लोगों को ये बात कुछ ज्यादा अजीब नहीं लग रही है? अजीब? मुझे तो समझ ही नहीं रहा इस घर में क्या चल रहा है। मुझे भी समझ में तो हमारे नहीं आ रहा है। हमारी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग कब तक कोने में खड़े रहकर मोहन और दामिनी की बुराई करते रहोगे। पर मम्मा, मोहन भैया के इन सब में साथ कैसे दे सकते हो? आप अच्छे से जानते हो ना कि दामिनी ने हमारे परिवार के साथ क्या क्या किया था। सब जानते हैं, कुछ भी नहीं भूले हैं हम। लेकिन अगर मोहन की खुशी दामिनी के साथ है तो हमारे लिए भी वही सही है। और तुम्हें क्या लगता है कादंबरी, त्रिवेदी जी? कि मोहन का साथ देकर तुम उसे फायदा कर रही हो। मुझे बताओ राधा कहाँ है? त्रिवेदी जी, आप तो 2 महीने बाद आने वाले थे। पिछले कुछ दिनों से मन बहुत बेचैन था, बहुत अशांत हो गया था, इसलिए हम आ गए। कादंबरी, माँ बाप का कर्तव्य बच्चों की हाँ में हाँ मिलाना नहीं होता है, बल्कि हमारे बच्चे जब गलत रास्ते पे जा रहे हो ना तो उसे सही रास्ता दिखाकर उसे रोकना होता है। आज जो मोहन कर रहा है वो गलत है। सिर्फ गलत ही नहीं, मैं तो कहता हूँ पाप है पाप। तुम्हें उसे समझाना चाहिए। मोहन कोई बच्चा नहीं है जो हम उसे समझाते फिरे। मोहन अपना अच्छा बुरा पाप पुण्य सब समझता है। हमारी माने तो आप भी इसमें ना पड़े। बिटिया! मम्मा? क्या हो गया? एक सेकंड मोहन, तुलसी की आत्मा, तुलसी की आत्मा, मैंने ये सब तुलसी ने हमें इस तरह से मारा है। देख, तेरा वहम नहीं है, तुलसी है बिटिया। तुलसी है, तुम्हें पता है तुलसी गई नहीं है, तुलसी यही है, तुम्हें पता है बेटा, तुलसी अभी भी यही है। तुलसी, ठीक है, आप शांत हो जाओ, बहुत स्लो है मम्मा, प्लीज। हेलो एवरीवन, तो आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है,
क्योंकि आज उसका बर्थडे है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। दामिनी, रिलैक्स मम्मा, सब ठीक है। वैसे दामिनी को देना तो बहुत कुछ चाहता हूं, पर फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि जो मेरा है वो तो उसका है। पर फिर भी आज मैं उसे वो तोहफा दूंगा जिसका वो सालों से इंतजार कर रही थी। अरे इस मौके के इंतजार में मेरी पूरी जिंदगी निकल गई। जब फाइनली मोहन मेरा हो रहा है तो फिर इसका बाप में हड्डी पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जाने दीजिए मुझे, खुद तो मरेगी हमें भी मरवाएगी। तुमने मुझे जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा दिया, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। ओए, क्या मतलब है कुछ नहीं चाहिए? आज के दिन तुम्हें बहुत कुछ मिले हैं। वैसे इस तोहफे को तो सबने देख लिया, लेकिन अब जो मैं देने जा रहा हूं ना, वो आप लोगों को ये रियलाइज करवाएगा कि मेरी लाइफ में दामिनी की क्या अहमियत है।